अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुबैब। मेरा नाम है फजल। और मेरे पीछे बैठे हैं अरसलान भाई। और हम लोग जा रहे हैं ट्रेल 3 से होते हुए मुनाल पैदल, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे का है। देखें हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं। 4:22 हमने ये पानी लिया है, और हमने क्या कहते हैं च्युइंगम लिए, और मुँह थोड़ा सा हो रहा है, और एक एक हमने ऐसे चॉकलेट ले लिए कि यू नो थोड़ी सी एनर्जी है। और मेरा और अरसलान का कोई इतना वॉक करने का हैवी एक्सपीरियंस नहीं है जबकि फजल का है, तो लेट्स सी कि ये हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं। थैंक यू। 4:30 पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितनी ब्रेक्स अलाउ हैं हमें? 5 मिनट्स की 3 ब्रेक्स बस। और अगर हम थक गए और मैं रह गया बिल्कुल, तो रह गए तो आप पीछे बैठ के ब्लॉग कंप्लीट कीजिएगा। इतनी ज्यादा गाड़ियां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। ट्रेल 3 काफी पथरीला रास्ता है, इसको चढ़ के बहुत मजा आ रहा है। तो आई होप कि हम ये 2-2.5 घंटे का रास्ता बड़े सुकून से तय कर पाए। ये शॉर्टकट है ऊपर जाने का, चले? नहीं। क्यों? इसके बाद पूरा रास्ता नहीं। अच्छा, ये शॉर्टकट हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसके बाद बंदा वैसे ही पूरा हो जाता है। ये वो धोखा है। और यहाँ पे हम कुछ थोड़ी बुलंदी पे आए हैं, तो ये इस्लामाबाद का टॉप व्यू मिल जाता है। थोड़ी थोड़ी थकावट, थोड़ा थोड़ा पसीना आना शुरू हो चुका है। ये देखें फजल कहीं से डंडी मार के ऊपर चढ़ रहा है। अरसलान भाई, ये हमें उतरते उतरते शाम तो नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, वैसे अंधेरा हो जाएगा अभी तो, क्योंकि अभी तो हमने चढ़ना स्टार्ट किया 2 घंटे। तो ये अंधेरे में यार यहाँ पे कोई क्या मसला तो नहीं है? हाँ, पिक सिक तो नहीं होंगे, टकरे शकरे तो नहीं खाएंगे? टक्कर मार के भागेंगे। हैं? मस्ट बी। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, हम बड़े ज्यादा आराम को। सारा रास्ता ऊंचाई गई है। हाँ, शहर का एक और व्यू। ये टाइम है फजल का इंटरव्यू लेने का। फजल भाई क्या हुआ? क्या सांस नहीं आती ना सही से? अभी इसने क्या खाया? वे स्टीरॉइड्स खा के आया ये बंदा। हाँ, कितने किलोमीटर और है? तो है ये आवाज़ें मोहब्बत। यार मेरी अम्मी कह रही थी दही लेके आनी है, फिर मैं जाऊँ? अच्छा। मेरी हो चुकी है बस, और ये सीढ़ियाँ मुझे ना बहुत कोई औखी चीज नजर आ रही है। नफा पहुँचाने वाले, हिम्मत दे मुझे यार। इतना हम लोग चलते नहीं है ना, गाड़ियों में बैठे रहते हैं, तो इसलिए हमें आदत नहीं होती इस तरह का कोई काम करने की। लेकिन ये अच्छी एक्टिविटी है, आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कितना स्टेमिना है आपका चलने का। सो साल में मेरे ख्याल से एक बार तो ज़रूर करना चाहिए इस तरह का चैलेंज अपने आप को। लेट्स सी, अभी भी मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का रास्ता है। मैंने थोड़ी देर के लिए 2 टाइम दी है। बहुत ऊँचाई है भाई, ये देखें। मुत्तफिका तौर पे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि अब थोड़ी देर रेस्ट हो जाना चाहिए। ये पत्थर का आदमी है, चप्पलों में बैठ के चढ़ रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, हमारे से नहीं हो रहा भाई। अभी हमने यहाँ पे स्टॉप किया है, सांस लेंगे। तो भाई ये देखें, हाँ ये अपना आप कैमरा इधर लाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वी जस्ट कंप्लीट 3446। ये खूबसूरत व्यू हमने अर्न किया है। शुक्र है यार। ना यार, यहाँ पे हमें कितनी देर लगी है पहुंचने में? 1 घंटा। और अभी हमें मस्जिद आना है क्या?
पता नहीं मनाल नजर भी नहीं आ रहा, कितनी देर का रास्ता है यहाँ पे? बहुत सामने अंधेरा नहीं हो जाएगा पहाड़ के पीछे? अंधेरा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हमें डर लगेगा यार। मैं हूँ अम्मी तो दही तकड़ा हूँ नहीं तेरे, कितना बड़ा जुल्म है यार, घर से भगाया हुआ है। ये ज़रा मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ये ट्रैक है और यहाँ से हट के वो पीक तक जाना है हमने। ये चेक करें व्यू, वो ऊपर तक जा रही है वहाँ और उसके साथ फजल भाई, मेरे ख्याल से अब मज़ा आना शुरू हुआ है। यस चलिए, है ना आइए। और ये सामने यहाँ पे कुछ भाई लोग कूलर शूलर लेके बैठे हैं, आई होप के ये ठंडे किस्म के जूस दे रहे हो। वो बिस्किट सिस्किट भी हैं यार, ठंडा जूस चाहिए भाई, ठंडा जूस। टोटल 5 जूस फिर कितना है? सिर्फ पानी है, आगे कितना किलोमीटर है मुनाल? आगे 3 किलोमीटर है बस यार। ये जाना है क्या होगा? नहीं फटती जाने तो। दोस्तों अभी 5 मिनट पहले हम इस मकाम पे बैठे हुए सेल्फियां खींच रहे थे और ट्रैकिंग करते करते अचानक हमें लेजेंड वजाहत इतरे मिल गए हैं। सर आप बताएं कितनी दूर है अब यहाँ से मुनाल? दिल्ली हनूज दूर रास्ता। आप रोज करते हैं ये? हाँ नहीं रोज तो नहीं, कभी जब टाइम मिलता है तो। जब भी टाइम मिलता है। सो चलिए अब आप वापस जा रहे हैं, अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ओके दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इन जगह पे ना डेविल स्टेप्स पे ड्रोनी फिल्म का सीन शूट होगा। यार ये ऐसे जंगल के बीच में ट्रैकिंग करने का भी अपना मजा है। ये चेक करें ना जरा, ये देखिए ये दरख्त है जो कि वो वहां तक जा रहा है, और अगर मैं डेयर करूँ ना फजल को कि उसकी नोक पे खड़ा होकर सेल्फी ले तो आई एम श्योर फजल विल डू इट, है ना फजल? अगर तू यहाँ से मर गया ना तो कुछ आखिरी बात भी कह दे। फजल इट्स नॉट, इट्स सीरियस, रहने दे। नो इट्स गुड मैन, इट्स इजी, देख ली। अक्सर फिल्मों में ऐसे वाक्य देखे हैं और जो सेल्फी दिलवा रहा होता है ना दोस्त वो ही मरता है बाद में। फजल अचीव कर रहा है ये चीज, देख ले पक्का है। सो फजल और एक ऐसी सेल्फी जो सारी उम्र याद रहेगी। इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा खाइए सर। वाह फजल भाई क्या इधर देखो, कैसा इधर देख। ये गाइस ये मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि ये करे क्योंकि ये बहुत टफ है जहाँ पे हम आए हैं, लेकिन हमें इस दरख्त के बेस पे पूरा भरोसा था। दोस्तों ये खूबसूरत पत्तियाँ चेक करें और ये कांटेदार हैं, जब हम वहाँ पे गए थे तो मेरी हर जगह पे कांटा घुस गया है। ध्यान से जाना भाईजान, आगे चीते चीते फिर रहे हैं, भागना नहीं है चीता है तो अपना दोस्त आगे कर देना। आखिर हमारे हेड कोच ने हमें बोल दिया है कि हम खा सकते हैं इंस्टेंट चॉकलेट, तो मुझे तोड़ कर पहली बाइट मेरी है। हाँ इसी में ले रहा हूँ, बाकी बंद कर दिए, मज़ा आया। बहुत तंग किस्म के पैसे से निकलना पड़ रहा है। ओए हो ये तो लवर पॉइंट आ गया है। दोस्तों हमने 4 बजे स्टार्ट किया था, अभी हमें 40 मिनट्स मजीद चाहिए हैं मुनाल तक पहुंचने के लिए, और हमें काफ़ी एनर्जी आ चुकी है कि हम लोग वहां पहुंच सकें, लेकिन अभी मसला सिर्फ ये है कि लाइट कम होती जा रही है, हमें बाकी का सफ़र जो है
वो अंधेरे में करना पड़ेगा, विच इज वेरी टफ आई गेस, और कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे एक जो चीज़ का सबसे ज़्यादा मुझे खौफ है वो ये है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं, सो आई विश के इजी हो जाए। और अभी अरसला हो जाएंगे, क्यों? इसलिए कि आगे बहुत स्टीप हो जाएगा एकदम ये। अच्छा, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे हाँपने लग जाएंगे तो बड़ा मस्त होगा। और आपने जो कैप्सूल खाए हुए उनकी वजह से आपको कोई मसला नहीं होगा, है ना? यार देखें, कैप्सूल की बात नहीं है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक। मेरा वजन आप सबसे ज्यादा, दोनों से ज्यादा। अच्छा, ये हम लोग एज भी आप दोनों से कम है, बस ये भी फायदा है आपको। तो सबसे ज्यादा मेरी फटनी चाहिए। अरे वो ऊपर तक हमने जाना है। अरे फजलू, किस काम लग गया इस जवानी में, बल्कि बुढ़ापे में, एंड लगा हुआ है तेरा और हरकतें तेरी लौंडों वाली हैं, है ना? ये चीज ये बहुत मुश्किल है यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीधा सीधा चाहिए। फजलू भाई, फजल, ये वाला मुश्किल है यार, ये देखने दोस्तों, ट्राई करके देखता हूँ। जल्दी कैसे चढ़ गए हो यार? भाई आप लगते तो प्रोफेशनल हाइकर हो। अच्छा, दिखने में। अच्छा, वो स्मार्ट आदमी हो ना इसलिए। तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? मेरा कोई मसला नहीं है सर। इतनी जल्दी कैसे भाग भाग के चढ़ते हो? बस अब दिल दे बैठे हैं इन पत्थरों को, इन पत्तों को। ओए हो, क्या बात है, आदमी मिल गया है यही सर। आपके मजे को मजा आ जाता है। सही बात है। और भाई जन, आपका भी इश्क है कोई? नहीं सर, के गुजर गया। बिल्कुल अंधेरा होने वाला है और अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होने वाली है। हमें 15 मिनट का सफ़र रह गया है। एक सौन हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। फजल भाई, आपके साथ नज़र भी नहीं आ रहे, अपने मोबाइल की लाइट मारे। बिल्कुल अंधेरा गुप हो चुका है और इस टाइम हमें अंधेरे में नहा के और भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है। मिडिल ऑफ जंगल हम लोग के हैं और रात का अंधेरा हो चुका है, बड़ी मुश्किल से ट्रैक ढूंढना पड़ रहा है। दो बार मिस करके किसी के घर लैंड कर गए थे, उन्होंने कहा भाई ओ इधरों नहीं, इधरों नहीं, उधरों जाना है। तो फिर अब हमें सही ट्रैक पता लगा है। अरसलान भाई, पत्थर के आदमी हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? बस ये कुछ शहर से मोहब्बत है, कुछ पहाड़ों से और कुछ इन पत्थरों से, क्या और बाकी कुछ तन्हाइयाँ हैं, महरूमियाँ हैं जो हम यहाँ आके पूरी करते हैं। भाई तो शायर से लेकर राजा गिद्ध निकल आया एकदम ना। बस ठीक है। और फजल भाई, सर मेरी तो बस हो चुकी है, थोड़ा ऊपर करें, ये आप खूबसूरती दिखाएं ना, जो ये इस्लामाबाद की खूबसूरत इस्लामाबाद की लाइटिंग नज़र आ रही है। और इस अजीब सी जगह पे हम बिराने में कहीं एक ही पत्थर के ऊपर अपनी रख के बैठे हुए हैं। ये रहा मनाल और हम लोग बस 5 मिनट की दूरी पे हैं। वाह, दिस इज समथिंग वी अचीव। लोगों ने अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। पैदल 10,000 से 11,000 तक फुट स्टेप लेते लेते हम पहुंच गए हैं मनाल। ये Yay. और हम चैलेंज करते हैं अपने 3 बंदों को। पहले अरसलान अपने बॉस को चैलेंज करेगा जो कि नून लीग के मोहसिन भाई। मैं कमर भाई को करता हूँ, अफजल कभी भी नहीं कर सकेगा। और हम करते हैं अरसलान फौजी को, जाफरान को। आपको आपने ये अचीव करना है पैदल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।